जी नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस न्यूज। फिलहाल अभी हम कटिहार जिले के कोड़ा प्रखंड की खेड़िया पंचायत में अवस्थित हैं, यानी कि मौजूद हैं। और आपको हम यहाँ एक ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी जिंदगी में सुना होगा या नहीं सुना होगा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम आज वो चीज बताने जा रहे हैं। आप हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे थोड़ा इस लड़की को दिखाएं। ये जो हमारे बगल में लड़की है, ये असहाय है। असहाय क्यों है ये हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम पहले इनकी कहानी जानिए कि कल बीती दिन लगभग 12 बजे दोपहर में इनको कोई लड़का बैठा के बाइक पर लेके जबरन भाग रहा था। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं, हमने पहले भी कहा है कि ये दुनिया कुछ अच्छे लोगों के चलते ही चल रहा है, सारे लोग भ्रष्ट अभी भी नहीं हुए हैं, क्योंकि ये कलयुग है और प्रायः लोगों का कहना है कि कलयुग में सारे भ्रष्ट हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को काटता हूँ। अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं और उनका नाम हम बताएंगे। पहले कहानी जाने कि इस बच्ची का, वो एक बाइक पर लेके कुछ लोग भाग रहे थे, लेकिन यहाँ के कुछ अच्छे लोग ने उन्हें रोका और उनसे जब सवाल पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उन लोगों ने इस लड़की को छोड़कर वो खुद भाग गए। जब इस लड़की से बात किए तो इस लड़की का जो दुखड़ा है, बड़ा सुनने में बहुत आपको दुख होगा, क्योंकि हर माँ पिता जो भी है, हम भी पिता हैं, हमारे इसमें भी बेटी है और बेटी का दुख शायद ही कोई बाप सुन सके। लेकिन हम क्या करें, पत्रकारिता एक ऐसा चीज है जो कि हम लोगों को सुनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो इस लड़की से हमने जब पूछा तो इसका जो दुख भरा कहानी था, बड़ा बोलने में हमको, मेरा दिल अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन तब भी हम बता रहे हैं कि हमारा कोसी क्षेत्र, हमने पहले भी कई वीडियो बनाया है कि हमारे कोसी क्षेत्र में लड़कियों को बाहर ले जाकर बेच दिया जाता है और जो बच्चियां वहां जाती हैं उनको तरह तरह से प्रताड़ित वहां के लोग करते हैं। उन्हीं में से कुछ नसीब वाली होती हैं जो वहां से भागकर आ जाती हैं, उन्हीं में से एक ये बच्ची है। और इनका जब दुख इन्हीं के सुनते हैं, इन्हीं से, इन्हीं के जवानी सुनने की कोशिश करते हैं। तो तुम्हारा शादी, पहले नाम बताओ, जोर से बोलो बाबू, पिंकी कुमारी। अच्छा, तो पिंकी बताओ कि तुम्हारा शादी कब हुआ था? मेरा शादी मेरा बाप डेथ हो गया, उसके बाद तब मैं शादी कराया मेरा बहन छोटी उम्र में। अच्छा, कितना उम्र में शादी कराया? लगभग छोटे जाते अपने छोटी। अच्छा, 9-10 साल की। हाँ, 9-10। आप समझिए कि हमारे क्षेत्र का क्या स्थिति है। हम उन लोगों से आग्रह करना चाहेंगे जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो समाज सेवी हैं कि सर, आप जो भी काम करते हैं ठीक है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो बच्चियां हैं उनको कम से कम इस तरह का चीज ना हो उनके साथ, इस पर कृपया ध्यान दें। 9-10 साल की लड़की का अगर शादी होता है तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्ची के साथ क्या क्या बीतता होगा। चलिए बात करते हैं। तो 9-10 साल की तुम थी तो तभी तुम्हारा शादी हो गया? हाँ, मेरा बहन आई थी लेकर, कहा हम नहीं करा, नहीं करें शादी, जबरदस्ती शादी करा दिया। क्या कहा कि गाँव लड़का गया था, जब तुम लोग राजी है तो करा दे। अच्छा, तुम्हारा पहले पता बताओ, जो तुम्हारे पिताजी का पता है, कहाँ कहाँ है तुम्हारे पिताजी का घर? मेरे पिताजी घर मणियारपुर थी। कहाँ? भूजनगर मणियारपुर थी। कहाँ पड़ता है ये? कटिहार से। कटिहार से बस्तौल तरफ। तो जब शादी वहाँ यूपी में हुआ? हुआ। अच्छा, तो यूपी में जब शादी हुआ तो वहाँ क्या दिक्कत हुआ? यूपी में जिससे लेके आया था, जिससे क्या था कि मेरा बहन कहा कि लड़का के तुम्हारे पर मुझसे पैसा ले है, तो हम जाता दूसरे लड़की पर, दूसरे लड़की पर ले जाता, अब हम जाता हमको मारता था, घर पी का था पैसा। क्या दूसरे के पास ले जाता था? हाँ, दूसरे पास हुआ जाता था, वो लड़का जाता था, दूसरे लड़की पर जाता था। वो क्या कहता था, पैसा नहीं देता था, पैसा था मांगने के लिए मारता था, बहुत मारता था, बहुत मारता था। तुम्हारी बहन तुमको बेच दी थी? हाँ, मेरी बहन बेच दी थी। क्या कहा, पैसा तुम्हारी बहन गई है तो शुक्र छोड़ देंगे, क्या मेरी बहन पैसा देगी तब तुम्हें छोड़ देंगे। अच्छा, कितना पैसा का बात करता था? अरे, कहा था कि तुम्हारे बहन के अंदर पैसा ले सर, तब कितना बोला हुआ। तो तुम फिर वहाँ बहुत तुमको प्रताड़ित किया जा रहा था? हाँ, बहुत लेकर थी। अच्छा, तुम्हारी जो गोतनी थी वो भी खरीद के ही गई थी? कहाँ बेचा गया था, कौन से जगह यूपी में? वो सलगन कोठी तलारा है, पूजा नाम है। नहीं नहीं, तुम्हारा ससुराल जहाँ तुमको शादी किया गया था वहाँ का क्या है, एड्रेस है? फुलपुर मुरादाबाद, वहाँ तुम्हारा शादी हुआ था, तो फिर वहाँ से तुम भाग क्या? अच्छा, तो यहाँ पर आई?
तो यहाँ पे तुम्हारे घर के गार्ड के लड़का जो तुमको मोटरसाइकिल पे लेके भाग रहा था, वो कौन? वो काका था कि तो तुम्हारा घर था, मतलब पूछ रहा काका जो तुम्हारा घर पर छोड़ कर लेके जा रहे, तो चल गए लेकिन तुम उसको पहचानती नहीं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो बच्चियां हैं जो कि बाहर फंस जाती हैं, उनको यहाँ भी आने के बाद बहुत सारे छिछोड़े टाइप के आदमी इनको पीछा करते हैं, इनके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। उसी दरमियान ये कल पकड़ी, इनका जान बचाया यहाँ के लोगों ने। तो तुम्हारे भाई पिता को मालूम है कि तुम आ गई है? भाई स्टेशन पे आए, भाई का भैया घर जाए, काका घर में तुम जाए, घर तुम मारेंगे, घर जाएंगे, धमकी दिया था कि नहीं जाने की, घर नहीं तुमको बुलाया, तो तुम अब कहाँ जाओगे? किधर चले भटक, हैं भटक, तुम किधर जाओगे? तुम रो क्यों रही हैं, बताओ? बहुत शर्म है ऐसी बच्चियों को कि इनके घर आने के बाद भी इनका भाई बोलता है कि तुम घर आओगी तो तुमको मार देंगे, काट देंगे। हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि क्या कोई बेटी को इस तरीका से कहीं से बच के आ जाए और उनको कोई मारने का धमकी दे तो क्या सही है? ये हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं। इन बच्चियों को हेल्प करें और इनको जान से बचाएं, क्योंकि इनको तो एक तो बेच दिया गया, उसके बाद उनको बहुत दिन टॉर्चर किया गया, और आज ये जब बच्ची अपने घर आई है तो इनके घर के गार्जियन बोलते हैं कि तुम घर मत आओ नहीं तो तुमको काट देंगे। ये कहाँ तक सही है ये हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। तो तुमको धमकी दिया है? अच्छा, तो अब क्या करना? चलिए, इनको जो बचाए हैं लोग उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जहांगीर। तो जहांगीर जी, बताइए बच्ची आपको कहाँ मिली? हम लोग को तो मालूम हुआ कि झरीलाल चार रखे हुए हैं, कल कोई लड़का बाहरी आ रहे थे, तो पूछना मिला, तो गए जाके देखा कि कोई लड़का लेके दो बाइक से वो बैठा के लेके भाग रहे थे ना, और उसको जानकारी मिली चाचा जी को, और गए तो देखे तो छोड़ के भाग गया, और उनके अपने सुरक्षा में रखा। फिर ग्राम पंचायत मुखिया जी को फोन किया, माननीय मोहम्मद जहांगीर जी को समिति फोन किया, सरपंच साहब एरिया समीम जी को, हमारे सचिव साहब नीरज जी को भी फोन किया कि एक बच्ची जो बाहर से आए हुए भटक के उनको हमारे यहाँ रखा गया। बच्ची को क्या करना है? ये बच्ची को करना है कि हम लोग तो सोच उसका गार्जियन के हवाले कर दे, और उससे जो थाना में आप इन्फॉर्म कर दिया था? थाना में फोन नहीं हुआ, हेल्पलाइन अभी थाना में हो गया है ना, इसलिए हम लोग थाना में सूचना दे दिए, हेल्पलाइन भी दे दिए है कि उनका सुरक्षा हो। जो व्यक्ति इनको रोके थे, इनको इनका जान बचाए थे, उन व्यक्ति से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अंदर भैया, क्या नाम हुआ आपका? झड़ीलाल जी, बताइए कि आपने एक बिटिया का जान बचाया है। आराम। पहले तो हम आपको धन्यवाद करेंगे, ठीक है, और दूसरी बात कि आपने इतना अच्छा कार्य किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। झड़ीलाल जी, सोए हुए थे जी, गांव के ही लड़का जो है जब बाइक से भाग रहे थे तो लड़का लोग जो है बाइक से उसको पीछा किया, जाकर पहुंचे बिलाल चौक के आसपास, हुआ उसको पकड़ा, बोला उसकी लड़की कहाँ ले जा रहे हो, बोला कि हम इस लड़की को थाना में जमा कराएंगे कोलासी नाका में, लेकिन तब लड़का बोला कि तुम इसका कौन हो, तो कोई नहीं है, तो तुम कैसे तुम इसको थाना में जमा कराओगे कि क्या करोगे, तो हम तो नहीं जाते हैं, तो बाइक से उतरवा कर को, और थे हमारे हिंदू ही परिवार के थे, तो बोले कि हिंदू समाज है, एक तो झरीलाल ऋषि चलो वही जमा कर देते हैं, क्या मुस्लिम रहता तो नहीं करते? नहीं, वो भी करते हैं, लेकिन चलो भाई कर दिए, यहाँ का जो है जानकारी आदमी है, चलो नेताजी के यहाँ रख देते हैं। तो हमने जो लड़की को जो है सुबह वो करी 10:30 में वो आई है, 10:30 बजे आई, तो मेरा दो बहू है, उसको बोले कि कुछ खाना खिला दो उसको, घर में मत घुसाओ, खाना को इन्फॉर्म किए जी, खाना को किए छोटा बाबू को किए हैं, क्या वो बोले कि ठीक है बड़ा बाबू को फोन कीजिए, वो जो है आप नहीं तो हेल्पलाइन में कीजिए, और आप जो है लड़की को भेज दीजिए। नहीं,
और कुछ भी लोग हैं उनसे भी जानने की बात करते हैं। सर ये लड़की अब क्या करना है? हम तो इसके सुरक्षा की बात करना है। हम लोग तो जहाँ तक हुआ कि झरीलाल जी को साथ दिए और हम लोग साथ साथ भगवान दास पुरुष समिति के लिए और भी है यहाँ उनसे भी बात करते हैं। भैया इस लड़की का पहले अपना नाम बताइए। और बुलाने के बाद उसको बुलाया गया। बुलाया तो बच्ची का हमने सामने दो माँ बाप से हुआ तो बच्ची बोली कि मेरी माता से बात में नहीं पहचानी, लेकिन बाद में फिर बोलती ना मेरी माँ है। लेकिन हम लोग सोचे कि पूरा आईडी प्रूफ आधार कार्ड लेके नहीं आई थी, कोई भी लिखा पढ़ी हम लोग करेंगे लिखित देंगे तभी ना बच्ची का सुरक्षा हो सकेगा। तो हम बोले कि कल आप लेके आइए आईडी प्रूफ आधार कार्ड लेके आइए और उसके जो भाई धमकी दिया है उसको भी लेके आइए और तब फिर हम सब उसको कुछ भी हो। बहरहाल कुछ भी हो लेकिन है तो ये बच्ची और बच्ची सबको प्रिय है। ये हमारे हिंदुस्तान के संस्कृति में भी है और हम सभी को कहना चाहेंगे कि कृपया इस बच्ची का हेल्प करें। और ये बच्ची को अगर कोई धमकी देता है या भाई बाप कुछ भी धमकी देता है वो सरासर गलत है, क्योंकि उसने इस प्रताड़ना को नहीं देखा होगा कि किसी लड़की के साथ कैसा कैसा प्रताड़ना होता है। अगर इस लड़की का इंसाफ नहीं मिला तो शायद कहीं किसी को नहीं मिल सकता है। इसलिए प्लीज इसके साथ साथ ये भी कहना चाह रहे हैं, इस लड़की का जो बहुत ही कम उम्र में शादी कराया और शादी कराने में जो जो लोग संलिप्त हैं, हाँ इसका जो है कि पूरा ये किया जाए छानबीन और उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। ये समिति साहब थे बिल्कुल कहना सही है। हमारे कोसी जोन में प्रायः लड़कियों को कम उम्र में शादी कर दिया जाता है और अक्सर बाहर यूपी में पैसा देकर कर दिया जाता है। जो भी गरीब परिवार के बच्चियां हैं उनको अक्सर बाहर शादी कर दिया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि वहाँ लड़कियों के साथ क्या किया जाता है। मैंने पहले भी कई वीडियो बना चुका है लेकिन मैं यही चीज रोक नहीं पा रहा हूँ और अपने दर्शकों को बताऊं कि आप लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और अपने आस पड़ोस में अगर ऐसा शादी होता है जो भी बाहर के लोग आते हैं तो प्लीज उनका आइडेंटिफिकेशन करके ही शादी करें, अन्यथा इसी तरह की बच्ची हमारे क्षेत्र की बच्चियां वहां जाएंगी और शोषण की शिकार बनेंगी और जब वहां से आएंगी तो यहां माँ बाप भी उनको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हम इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए मैं ब्रजेश सिंह आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।